Hello students, welcome to my YouTube channel CHSC Plus 2 Physics Brief Study in Quick Time. एटी छोट छोट वीडियो मो अपलोड करी चेष्टा करी डेली अपलोड करने पर जब भल लगे तुम्हें लाइक करदेव चैनल को सब्सक्राइब करदेव तुम सांग को भी शेयर करपर और जो वीडियो मुझे पठेबी भी तार नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल्रे प्रेस करदेव गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियोर उपर जो देखु थ्री डॉट्स अच्छी वीडियोर क्वालिटी बढ़ेगा 144 रु मैक्सिमम जिते मुझे 480 करदेली तो वीडियोर क्वालिटी बढ़ीज प्रति वीडियोर मुझे पीडीएफ नोट्स भी पठेबी तुम्हें डाउनलोड कर जो डाउन एरो अच्छी या को क्लिक कलापुर तुम लिंक पाइज डाउनलोड कर लास्ट इंपोर्टेंट जिनस मुझु भिडर यूनिट व्वज सजे रखी मो चैनल को क्लिक कलापुर तुम प्ले लिस्ट एटी बाहर करके तुम यूनिट व्वज पाइपर ओके थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो आम देखला प्रीवियस क्लास रे जे हेवी न्यूक्लियस जोटा जार एटॉमिक मास नंबर 200 बेसी से इजिली भांगी जाऊची बिकॉज दोज काइंड ऑफ न्यूक्लियस आर नॉट स्टेबल। सो ए जो भांगी जीवा प्रोसेस को कहा जाए रेडियो एक्टिविटी। ओके रेडियो एक्टिविटी, सो ए भांगी जीवा प्रोसेसटा है। सो रेडियो एक्टिविटी रो गुड़ाए लॉज अच्छी है डीके भी ऑल्सो वन ऑफ द अल्टरनेटिव ऑफ रेडियो एक्टिविटी है डिक्रीज करवाटा तम मैंने। सो रेडियो एक्टिविटी लॉज सीधा आम एसवा देख प्रथम लॉ कहला इट इज ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। डिसइंटीग्रेशन इंटीग्रेशन माने एकाठी करवा डिसइंटीग्रेशन माने भांगिबा है। सेकेंड लॉटा कहला जो रेट्रे से डिसइंटीग्रेट कर इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल कंडीशन लाइक टेम्परेचर और प्रेसर। माने न्यूक्लियस जो अच्छी गोटे गोटे सपोज गोटे बॉडी अच्छी बॉडी जो सेंटर रे जो न्यूक्लियसटा अच्छी न्यूक्लियस रे एटम रो न्यूक्लियस रे पूरा डीप रे तुम्हारे निहाती भाव में रेडियो एक्टिविटीटा बहुत बेसी जोर ता माने होला। गोटे इंटरेस्टिंग जिनस पे न्यूक्लियस रो ही सब किछि रेडिएशन हुए ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स रो एथिरे किछि रोल नाही हला। थर्ड लॉटा कहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। माने डिसइंटीग्रेशन रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन पूर्वरु आउ परे जहाँ चार्ज थिला समान रहिबो। देन फोर्थ लॉ तुम्हारे कहला पे जो डिसइंटीग्रेट कर दैट इज अकॉम्पनीड बाय एमिशन ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा गामा रे जोटा पूर्व क्लास रे हमें देखला कोटा पॉजिटिव कोटा नेगेटिव कोटा न्यूट्रल है। अकॉर्डिंगली अल्फा पार्टिकल ऑलरेडी कही सारी है दुईटा तुम जेड कम चार्टा ए कम बीटा पार्टिकल रे तुम गोटे जेड बढ़ो आउ ए एज इट इज रहिबो। किंतु इन केस ऑफ गामा पार्टिकल पिलाने नाइदर तुम ए किछि चेंज हेबो किंबा जेड किछि चेंज हेबो एटॉमिक वेट किछि चेंज हेबो नाही। अच्छा जो न्यूक्लियसटा थिला सेटा भांगी गला हैला दुई भाग रे भांगी गला एठू जो डॉटर न्यूक्लियसटा स्टार्ट हैला दीज डॉटर न्यूक्लियस दे हैव द प्रोडक्ट पूरा पूरी तांकर नुआ हिसाब रे प्रोडक्ट हेबो हैला तांकर कैरेक्टरिस्टिक मदर न्यूक्लियस संगे बिल्कुल अलगा हेबो दे डिफर फ्रॉम द पेरेंट एटम हैला। अच्छा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एबे मैथमेटिकल कांसेप्ट को आसीबा पिलाने जो थिरो आमे डीके कांस्टेंट पाइबा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए रेडियोएक्टिव सैंपल एट एनी इंस्टेंट हैला जो रेट रे एट एनी इंस्टेंट माने सपोज हैला एन नंबर ऑफ सैंपल अच्छी हैला रेट हैला डी बाय डीटी हैला रेट टाको आमे सब बले ये टाइम रेट रे नेउ तो डी एन बाय डीटी एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। दिस लॉ इज नोन एज द स्टैटिस्टिकल लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। सो ए स्टैटिस्टिकल लॉ रु मन करा जो देयर आर एन नंबर ऑफ एटम्स एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी डेल्टा एन सपोज गोटे छोट क्वांटिटी आम जब एटम्स नेला तेल आम योट क्वांटिटी रु लिमिट पकई पारा हैला छोट टाइम रे गोटे गोटे इन ए स्मॉल टाइम डेल्टा टी रे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एतिक हे लिमिट डेल्टा माइनस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एन बाय डेल टी हैला व्हिच इज माइनस डेल एन डी एन बाय डी टी हैला। एठी माइनस सिंबलटा काहीकि आसुछि बिकज तुमर जो रेडियो एक्टिविटी माने कौन एथिरे पोड़ी 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 सेस को पूरा खत्म ही होउछि। सो द मैटर इन साइड द मेटेरियल इज डिक्रीजिंग तेणुकरी एठी माइनस सिंबल आसिला। सो ए स्टैटिस्टिकल लॉटा कहिछि ऑलरेडी हैला माइनस डी एन बाय डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एन। सो अकॉर्डिंगली
आमे जदि गोटे कांस्टेंट और प्रोपोर्शनालिटी नेबा पिलाने लामडा जदि ताकु कहिबा देन इट विल बी डीएन बाय डीटी इक्वल टू माइनस लामडा एन व्हेयर लामडा इज द रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट ओके एई डीके कांस्टेंट रो वैल्यूटा एबे बाहर करिबा देखो आमे कौन करिबा डीएन एन रो टर्म गुडा को गोटे साइड रखिबा माइनस लामडा डीटी कर देबा इंटीग्रेशन कर देबा सिंपल हैला सो डीएन बाय एन इंटीग्रेशन करला परे ऑलरेडी आमे जानिचो एटा लॉन हैला लॉग बेस ई हैला लॉन लॉग बेस ई एन इक्वल टू माइनस लामडा टी एंड सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ओके एई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को बाहर करिबा देखो इनिशियली आरंभ रे जते बेले टाइम 0 थिला मने करो देयर आर एन एन 0 नंबर ऑफ एटम्स ताहले एई वैल्यूटा पुट करले कोन होबो लामडा टी ए जगह रे थिला तो 0 हो जइबो लॉन एन 0 इक्वल टू सी सो सी हैला तमरो लॉन एन 0 एई वैल्यू को अबे हम इक्वेशन को पकेले लॉन एन इक्वल टू माइनस लामडा टी लॉन एन 0 हैला माइनस एटा कर देले एटा होच लॉगरिथम रो प्रॉपर्टी पिला ने लास्ट रे मु तुमको लॉगरिथम रो किछ बेसिक प्रॉपर्टी भी कहि देबी तमरो बहुत सेटा काम रे आसीबो हैला सब वर्तमान पई ए जिनसटा मने रखो जे लॉन एस लॉन एक्स माइनस लॉन वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स डिवाइडेड बाय वाई एठी जमती हे छि हैला ओके सो हेटा हला माइनस लैम्डा टी बाहर गला लॉन्ग टाकु आमे आरएचएस को नहीं गले एटा एक्सपोनेंशियल हे जाय हैला ओके सो एन एबे आमे इजीली कैलकुलेट करि परबे नेक्स्ट साइड को नहीं कि एन 0 ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी हैला एई इक्वेशन टा हला हमर मेन इक्वेशन एई इक्वेशन को जदि आमे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देले देखो एठी वाई एक्सिस रे तमर एन निया हिची एक्स एक्सिस रे टाइम निया हिची सो इनिशियली देयर वर एन 0 नंबर ऑफ एटम्स तापरे ये कमी कमी की आसीला सो देखा गला एटा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करची काहे की डिक्रीज करची बिकॉज इक्वेशन ही देखो एठी एंती अछि हैला किंतु एटा टाइम एक्सिस को टच करूनी पिलाने दिस इज द वेरी इंपोर्टेंट थिंग एटा भाईबा गुडा रे भी पड़े टाइम एक्सिस को केते जदि टच कर देला ता माने तमर एन 0 टा एन टा तमरो पूरा 0 हो गला पूरा वैनिश हो गला खत्म हो गला एटा केते बेले संभव हो जते बेले टाइम टा इनफिनिट हो काहे कि देखो ए रिलेशन रे एन टा 0 हला जदि एलएचएस 0 हला केते बेले एन 0 तो 0 हो पारिबोनी ता माने ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी मस्ट बी 0 हला दैट मींस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी मस्ट बी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस इनफिनिटी और लैम्डा टी इक्वल टू इनफिनिटी दिस विल बी लैम्डा टी हला किंतु लैम्डा इज कांस्टेंट सो टी मस्ट बी इनफिनिटी ओके बुझी पार्लो एबे जिनसटा अच्छा नेक्स्ट एबे कौन करिवा आमे ए जो टाइम टी को मन करो आमे निया जाऊ रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा एही वैल्यू को आमे जदि से इक्वेशन रे पुट कर देले एन विल बी इक्वल टू एन 0 ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी थिला माइनस लैम्डा इनटू 1 बाय लैम्डा हे गला हैला सो एन 0 डिवाइडेड बाय ई एटा हमरो मेन रिलेशनटा बाहरिला सो एथिरु देखा गला आमे डीके कांस्टेंट रो गुटे मैथमेटिकल डेफिनेशन रे पाइला इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम हैला 1 बाय टी नहीं थिला ना रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इन व्हिच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल आर रिड्यूस टू 1 बाय ई एन 0 ओके ओके सो आमे देखिला कंप्लीट फुल लाइफ जे कोनोसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस माने खत्म हे जइबो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 0 हे जइबो केते बेले ना इनफाइनाइट टाइम रे सो सब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रे तो फुल लाइफ इनफिनिटी तो हले डिफरेंशिएट केमती करबा एई जिंस पई हमकू दरकार हुए हाफ लाइफ एटा हला तारो एक्चुअली रे तारो सिंबल टा टी हाफ एक्चुअली हेबा कथा एठी कैपिटल टी दे छी से जहा भी हो हाफ लाइफ माने यार डेफिनेशन हला पिलाने हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग व्हिच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सब्सटेंस आर रिड्यूस टू हाफ of their original value mane n0 n will be equal to n0 by 2 hala so accordingly ame ei equation ro jodi pokeiba t equal to t poke deba capital t aur n equal to n0 by 2 tale equation amro asi gala dekho hala n0 n0 cancel out ethi hi jibe hala 2 equal to e to the power minus lambda t hala ebe both side ra ame ln ni jiba hala ln ro gote property pila mane achi kono na ln e लामडा टी जदि एमती अछि एमती फॉर्म रे थिले पावर टा आकु पड़े आसे मैथमेटिक्स रे तमे पढ़ी थिबो तथापि मु यारो केतरा प्रॉपर्टी लास्ट रे लेखि के देखि देबि हला सो लॉन ई देखो एलएचएस रे आ गुटे प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 2.3026 लॉग बेस 10 लॉग बेस 10 अलगा लॉग बेस ई अलगा ओके सो लॉग बेस 10 2 जोटा एबे अछि पिलाने
এই ভ্যালুটা ইয়ার হয়ে 0.3 পাখাপাখি হয়ে হ্যাঁ এই ভ্যালুকে এবার পুট করেদেলে আমি ইজিলি বাহার করে দেবা এই জিনিস। এটা পরীক্ষার বহুত ইম্পর্টেন্ট, এটা পরীক্ষার বহুত পড়ে হ্যাঁ। হাফ লাইফ ইকুয়াল টু 0.693 ডিভাইডেড বাই ল্যামডা হ্যাঁ। সো হাফ লাইফটা আমি আরামসে পাইগলা। এবার দেখিবা এভরেজ লাইফ পিলা মানে, এভরেজ লাইফ কহিলে পিলা মানে ইট ইজ এভরেজ নাঁরু জনা পড়ছি যে মিন হ্যাঁ। যেমতি তুমি 10টা স্টুডেন্ট অছ, এভরেজ বাহার করে দেল, মার্কিং করা যায় যে এভরেজ মার্কিং গোটে ক্লাসর কেমতি হল। সিমিলারলি এভরেজ মিন অফ দ লাইফস অফ অল দ অ্যাটমস ইজ নোন এজ দ মিন লাইফ অর এভরেজ লাইফ অফ দ রেডিও একটিভ সবস্টান্স হ্যাঁ। ম্যাথমেটিকালি কহিলে সম করেদেল, টোটাল টোটাল যোড়ি দেল সবু লাইফ গুড়া আর টোটাল নম্বর অফ অ্যাটমস ডিভাইড করেদেল হ্যাঁ। এবার ইয়াকে যদি আমি ম্যাথমেটিকালি নেবা, সপোজ গোটে স্মল কোয়ান্টিটি অফ নম্বর অফ অ্যাটমস নেলা ইন এ স্মল টাইম ফ্রম টি প্লাস ডিটি হ্যাঁ। তাহলে আমার কেতে হব ইয়ে লাইফটা, টোটাল লাইফ টাইমটা হব এই কোয়ান্টিটি পাই ডিএন ইন্টু টি হব হ্যাঁ। সো ইয়াকু এবে আমি যদি ইন্টিগ্রেট করিবা এভরেজ লাইফটা দেখো তার ডেফিনেশনকে একর্ডিংলি পকাই দেলে জিরো রু এন জিরো। কাহিঁকি ইন্টিগ্রেশন হল, বিকজ আরম্ভরে তোমার জিরো থিলা হ্যাঁ টাইমটা হ্যাঁ। এই এই টাইমরে তোমার সবস্টান্সটা জিরো থিলা, তারপরে এটা এন জিরো ওকে। নাও টোটাল নম্বর অফ অ্যাটমস তোমার এন জিরো একর্ডিংলি লিমিট পকাইছ হ্যাঁ। সো ওয়ান বাই এন জিরো এটা সব লিমিট বাহারিকি ইন্টিগ্রেশন হেলা পরে আমি এবে ভ্যালুটা পকাইবা, কাহার ভ্যালু পকাইবা এন ইকুয়াল টু এন জিরো ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা টি। এঠু আমি ডি এন বাহার করে পারিবা ইজিলি। এন জিরো উপরে তো ডিফরেনসিয়েসনর কিছু পড়বনি হ্যাঁ, কেবল টাইম উপরে পড়ব, যেটা ভেরিয়েবল সে তারি উপরে হি পড়ব হ্যাঁ। এই জিনিস তুমি ইন্টিগ্রেট করে জাণিছ অলরেডি। আচ্ছা একর্ডিংলি এবে আমার দেখ ডি এন রে থিলা অলগা লিমিট, ডি টি পাই অলগা লিমিট বাহার করিবা পাই পড়িব। সো টি ইকুয়াল টু জিরো রে কেতে হুয়ে এন ইকুয়াল টু এন জিরো হুয়ে, টি ইকুয়াল টু ইনফিনিটি রে এন ইকুয়াল টু জিরো হুয়ে। একর্ডিংলি আমার এবে লিমিটটা চেঞ্জ করেদেলা হ্যাঁ। সো ইয়াকু এবে টিকে আমি সলভ করেদেলা পরে ইউজিং দ ইন্টিগ্রেশন রুল বাই পার্টস, বাই পার্টস রুলকু আপ্লাই করিকি আমার বাহারি যাব এভরেজ লাইফ ওয়ান বাই ল্যামডা হ্যাঁ। এভরেজ লাইফ অফ দ সবস্টান্স দশ ইজ ডিফাইন্ড এজ দ রেসিপ্রোকাল অফ দ রেডিও অ্যাক্টিভ ডিকে কনস্ট্যান্ট। পিলানে রিলেশন পড়ে এভরেজ লাইফ অফ আউ হাফ লাইফ উপরে ইজিলি দেখ, এটি হাফ লাইফ থিলা তোমার 0.693 বাই ল্যামডা, এভরেজ লাইফ হল 1 বাই ল্যামডা। সো হাফ লাইফ ইজ 0.693 ইন্টু এভরেজ লাইফ ওকে। আচ্ছা এবে আসবা একটিভিটি কু, একটিভিটি মানে কহিলে পিলানে যদি গোটে সবস্টান্স অছি রেডিও অ্যাক্টিভ নিউক্লি, তার নম্বর অফ নিউক্লি ডিকেইং পার সেকেন্ড অর ইন আদর ওয়ার্ডস দ নম্বর অফ ডিসইন্টিগ্রেশন টেকিং প্লেস পার সেকেন্ড অফ দ সেল ইজ নোন এজ ইয়োর অ্যাক্টিভিটি হ্যাঁ। ইট ডিপেন্ডস অন দ ডিসইন্টিগ্রেশন কনস্ট্যান্ট অ্যান্ড অ্যামাউন্ট অফ স্যাম্পল টেকেন মানে এন উপরে আর ডিসইন্টিগ্রেশন কনস্ট্যান্ট ল্যামডা বা ডিকে কনস্ট্যান্ট উপরে, এই দুইটা জিনিস উপরে ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল। সো ইট ইজ মাইনাস ডিএন বাই ডিটি যেটা তোমার ডিসইন্টিগ্রেশন হ্যাঁ, অ্যাক্টিভিটি এ ফর অ্যাক্টিভিটি ইকুয়াল টু ল্যামডা এন হ্যাঁ। এইটা হল তার ফর্মুলা হ্যাঁ। যদি আমার এবে এন জিরো হোলা তোমার ইনিশিয়াল নম্বর হ্যাঁ, তাহলে এ জিরো বাই এ, এ জিরো আউ এ তোমার কোণ হল না ইনিশিয়াল আউ র্যান্ডম অ্যাক্টিভিটি, তো এ জিরো বাই এ ইকুয়াল টু এন জিরো বাই এন বি হয়েপার ওকে। দেন এ বাই এ জিরো এটি যদি আমি হাফ লাইফর কথা আনবা হ্যাঁ, আকু টিকে সলভ করেদেলা পরে এ বাই এ জিরো বি হাফ টু দি পাওয়ার এন হব ওকে। সো রেডিও অ্যাক্টিভিটির যে অছি পিলানে তার মেজরমেন্ট দুইটা ওয়ে অছি হ্যাঁ, দুইটা ইউনিট অছি, ওয়ান ইজ ইয়োর কিউরি হ্যাঁ, যেমতি তোমার মাস কিংবা টাইম তার গুড়া ইউনিট অছে গ্রাম কেজি এমতি, রেডিও অ্যাক্টিভিটি যেটা স্যাম্পলর মাপিবা পাই তাকু দুইটা ইউনিট অছি, ওয়ান ইজ ইয়োর কিউরি এটা ম্যাডাম মেরি কিউরিঙ্ক নাঁরে এই ইউনিটটা আসছে। রেডিও অ্যাক্টিভিটি অফ এ স্যাম্পল ইজ সেট টু বি ওয়ান কিউরি ইফ ইটস অ্যাটমস ডিসইন্টিগ্রেট অ্যাট দ্য রেট অফ 3.7 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 10 ডিসইন্টিগ্রেশন পার সেকেন্ড ওকে। সো দিস ইজ দ্য অ্যাক্টিভিটি অফ ওয়ান গ্রাম অফ রেডিয়ম হ্যাঁ, রেডিয়ম বাহার করেছিলেন ম্যাডাম কিউরি। সো একর্ডিংলি ওয়ান কিউরির ভ্যালু হল এতিকি, এটা মনে রাখিব সববেলে হ্যাঁ। রদারফোর্ডক নাঁরে বি আউ গোটে অছি রেডিও অ্যাক্টিভিটি, এবে সেই সব একজাক্টলি সেম ডেফিনেশন এবে কোণ হয়ে গেল না 10 টু দি পাওয়ার 6 ডিসইন্টিগ্রেশন পার সেকেন্ড। সো ওয়ান রদার ফোর ইকুয়াল টু 10 টু দি পাওয়ার 6 ডিসইন্টিগ্রেশন পার সেকেন্ড। রিলেশন বি বাহারি পারিব কিউরি আর রদার ফোর উপরে, ওয়ান কিউরি
1 क्यूरी इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 4 रदरफोर्ड बिकज 10 टू द पावर 6 टा 10 टू द पावर 10 होता 10 टू द पावर 6 टा रदरफोर्ड नहींगला है ये तार रेडियोएक्टिविटी रो यूनिट है कि इंपोर्टेंट नोट्स तुम्हें आ जो जमी कहती लगारिदम रख ये टेबुलटा देखिपार है गुड़ाए जिनस मुझे लिखिकी जनई जी मोर बेसिक आइडिया अच्छी है प्रॉपर्टी किसीटा ओके आज जहाँ पढ़िली तार रिलेटेड भी अच्छी लॉग बेस 10 रो एक रु 10 जाए है एक 10 2 रु 9 जाए तार वैल्यू भी तुमको दे दीची एटा देखिपार लॉग रो किछटा प्रॉपर्टी रेशियो रे प्रोडक्ट रे कौन हुए है कहीं एटा माइनस हुए है तार पावर रे कौन हुए ये सब भी बताई ओके थैंक यू।